रहने भाई, जैनो सुकून खो गया है, बॉस ने भी ऐसी तैसी कर रखी है। तो आओ चलो काऊ की झप्पी लेकर आते हैं। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं, काऊ झप्पी नहीं जानते? इस वक्त दुनिया में गाय को गले लगाने का ट्रेंड चल रहा है, जिसको नाम दिया गया है काऊ थेरेपी का। लेकिन क्या आप ये जानते हैं ये काऊ थेरेपी है क्या, कैसे दुनिया भर में काऊ हगिंग बन गया है ट्रेंड और क्या है इसके फायदे? आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। भारत के अधिकांश हिस्सों में गाय को पूछते हैं, ये तो सब जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन दिनों विदेशों में गाय को गले लगाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है? इसके लिए बाकायदा वो पैसे भी खर्च करते हैं। अब अमेरिका को ही देख लीजिए, यहाँ के लोग गाय को गले लगाने के लिए एक घंटे के $200 खर्च कर रहे हैं, मने ₹14,500। वही नीदरलैंड में भी लोग घंटों गाय के साथ अपना समय बिता रहे हैं। खासकर कोरोना काल में गायों को गले लगाने का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ रहा है। अब सवाल ये है कि लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? दरअसल लोगों को गाय के साथ समय बिताने से शांति का अनुभव हो रहा है, उनको मानसिक शांति मिल रही है, यानी कि मेंटल पीस मिल रही है। लोगों का मानना है कि काऊ कर्डलिंग से ना सिर्फ तनाव से राहत मिलती है बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी ये काफी फायदेमंद है। अमेरिका में कई लोगों ने दावा किया है कि गाय को गले लगाने से लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी मिल रहा है। वहीं 2017 में अप्लाइड एनिमल बिहेवियर साइंस नामक जर्नल में छपी एक स्टडी में भी इसके फायदे बताए गए हैं। 2007 की एक स्टडी के मुताबिक गाय की गर्दन और पीठ को सहलाया जाए तो गाय को बहुत आराम मिलता है और वो आपके साथ बहुत फ्रेंडली हो जाती हैं। अगर आप गांव से ताल्लुक रखते हैं तो आपने ये जरूर देखा होगा कि जब गाय का दूध दूहते हैं तो ऐसे ही उसकी गर्दन और ऐसे गले पर सहलाते हैं। ऐसा करने से दोनों ही एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। बता दें कि कोरोना काल में अमेरिका के हवाई, न्यूयॉर्क, टेक्सास और लॉस एंजेलिस में काऊ थेरेपी काफी फेमस हो गई है। लोग मन की शांति के लिए गाय के साथ समय बिता रहे हैं। दरअसल काऊ हगिंग तनाव हार्मोन को घटाता है। इन गायों से ज्यादातर हमारी पहले ही प्राचीन परंपरा है कि गायों से छूने से, उनके गले लगाने से, उनके गोमूत्र से, उनके जितनी भी बीमारी हैं दूर होने की संभावना रहती है। और आजकल आधुनिक युग हो गया है, लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी अब आगे फिर जो हमारे वैज्ञानिक हैं फिर उसी पद्धति पर आ रहे हैं, इससे बहुत फायदा हो रहा है लोगों के लिए। डॉक्टरों का कहना है गाय को गले लगाते समय हग हैप्पी हार्मोन ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और डोपामाइन ट्रिगर करता है, जो कोर्टिसोल यानी कि तनाव हार्मोन को कम करता है। ये स्ट्रेस लेवल कम करता है और डिप्रेशन के शिकार लोगों के लिए भी फायदेमंद है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि इस ट्रेंड की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल नीदरलैंड के छोटे से गांव रूवर से इस ट्रेंड की शुरुआत हुई। यहां पर डच भाषा में एक शब्द है को कफलन, जो बहुत प्रचलन में है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है गाय की झप्पी, वो अंग्रेजी में बोले तो काऊ हगिंग। कोविड पैंडेमिक के दौरान यहाँ के लोगों ने ही काऊ हगिंग ट्रेंड की शुरुआत की। इनका कहना है कि कोरोना महामारी के चलते दुनिया भर के लोग मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, ऐसे में उन्हें गाय को गले लगाना चाहिए। दरअसल कोरोना ने लोगों को घरों में लॉक कर दिया, लॉकडाउन की वजह से सोशल गैदरिंग पर ब्रेक लग गया, ऐसे में लोगों ने गाय को अपना साथी बना लिया और काऊ झप्पी ने एक नए रिश्ते को जन्म दे दिया। वैसे यहाँ ये भी जान लें, ऐसा नहीं है सिर्फ लोगों को ही गाय को गले लगाकर सुकून महसूस हो रहा है, बल्कि खुद गाय भी लोगों के साथ ये समय बिताकर सुकून फील करती हैं। मुझे तो गाय को गले लगाकर बहुत ही गुड गुड फीलिंग हुई। आप भी ये थेरेपी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जरा संभाल कर, क्योंकि गाय के सींग भी होते हैं। गाय के दूध, दही, छाछ, पनीर से आपने सेहत बहुत बना ली, अब थोड़ा काऊ झप्पी हो जाए।
और अगर आप भी गाय को गले लगाकर स्ट्रेस फ्री फील करते हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं। ABP News आपको रखे आगे।